अरे हम अरे हम अरे हम अरे अरे हम अरे हम अरे अरे परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे अरहं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, ओम अरहम। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। बंधुओं और बहनों, कल हमने बहुत ही मंगलमय वातावरण में दिवाली मनाई। दिवाली की तरह हमेशा हमारा जीवन भी प्रकाशमान बना रहे, हमारे जीवन में प्रज्ञा का विकास निरंतर होता रहे, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम आज नए साल के इस प्रथम पहला जो हमारा नए साल का पहला जो सेशन हो रहा है, इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ मंजू जी शिपानी कोलकाता से जुड़ चुकी है, जानी मानी शादी का प्रेक्षा प्रशिक्षक, और बहुत ही सुंदर तरीके से हमें प्रेक्षा ध्यान के बारे में बताते हुए प्रयोग करवा रही है। और आज इस श्रृंखला की हम 20वीं कड़ी लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने कायस्थ के बारे में जाना समझा, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कायोत्सर्ग का दूसरा पार्ट लेकर हमारे साथ जुड़ी है। तो मैं मंजू जी आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, ओम अरहम। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए, सबके स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए चेहरे दिखने चाहिए। यस, और सभी से निवेदन, मंजू जी का स्वागत दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ स्वागत करें। ओम अरहम, और आप सभी को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम अरहम। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आज भगवान महावीर का निर्वाण कल्याण दिवस भी है। तो भगवान महावीर और कायोत्सव दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। भगवान महावीर की ध्यान साधना का आधार है कायोत्सव। जैन दर्शन में आज भी भगवान महावीर के लगभग 2600 साल पूरे होने जा रहे हैं, कायोत्सर्ग आज भी अपनी उसी स्थिति में साधु संतों द्वारा, साधक साधिकाओं द्वारा प्रयुक्त होता जा रहा है। क्या है ये कायोत्सर्ग? क्या केवल शरीर को शिथिल कर देना? अगर दूसरे योग दर्शनों में मैं कहूं तो केवल शवासन, शरीर को बिल्कुल स्थिर और ढीला छोड़ दो, शरीर को रिलैक्स कर दो, यही कायोत्सर्ग, यही शवासन। नहीं, भगवान महावीर ने कायोत्सर्ग को ध्यान साधना का आधारभूत बताते हुए उत्कृष्ट साधन के रूप में प्रवर्तित किया। कायोत्सर्ग शतक में कायोत्सर्ग की विशेष जानकारी दी गई है। हमारे आगमों में भी जगह जगह काउसक की बात आई है। हमारा जो 32वां आगम है आवश्यक सूत्र, जिसे मैं प्रतिक्रमण भी कह सकती हूँ, साधु प्रतिक्रमण है, श्रावक प्रतिक्रमण है, उसमें 5वां आवश्यक है काउसक आवश्यक। आवश्यक क्या है? जब हम कायोत्सर्ग करते हैं तो हम प्रतिज्ञा करते हैं, तस उत्तरी करणेन, तस यानी उसे उसे उत्कृष्ट बनाने के लिए, किसे? आत्मा को। तस उत्तरी करणेन, पायचित करणेन, आत्मा को उत्कृष्ट बनाने के लिए, पायचित करणेन, प्रायश्चित करने के लिए, विशोही करणेन, विशुद्ध, विशेष रूप से विशुद्धि करने के लिए, विसल्लीकरणम, सल्ले यानी कांटा, आत्मा में जो कर्म रूपी कांटे चुभे हुए हैं, जो विषय शल्य, जो कांटे चुभे हुए हैं, उन कांटों को हटाने के लिए, निशल्य करने के लिए आत्मा को, पावाणम कम्माणम, पाप कर्मों का नाश, पावाणम कम्माणम पाप कर्मों का निघ्राण, नाश करने के लिए, ठाए ठामी काउसगम, मैं कायोत्सर्ग कर रही हूं। कायोत्सर्ग केवल शिथिलीकरण नहीं, कायोत्सर्ग वो उपक्रम है जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा को विशुद्ध कर सकते हैं, प्रायश्चित करने के लिए, विशेष रूप से विशुद्धि करने के लिए, निश्चल्य होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग, पाप कर्मों का नाश करने के लिए। कैसे होता है कायोत्सर्ग में पाप कर्मों का नाश, यही हमें जानना। आज हम कायोत्सर्ग की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को समझते हैं। कायोत्सर्ग, आप कोई भी, कहीं भी, कैसे भी ध्यान करिए, आपको अपने शरीर को स्थिर और शिथिल करना ही होगा। इस बाहर जगत से नाता तोड़ने के लिए शरीर को, वाणी को, मन को साधना ही होगा। और ये शरीर, शरीर क्या है? हमारी आत्मा का अधिष्ठान है, हमारी साधना के लिए साधन है। बिना इससे साधे अंतर जगत में प्रवेश संभव नहीं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से कहूं तो कायोत्सर्ग का सबसे पहला प्रयोजन है ध्यान साधना के लिए इस शरीर रूपी साधन को साधना, शरीर को स्थिर रखना और शिथिल रखना। शरीर के भीतर ही वाणी है, शरीर के भीतर ही मन है। इस शरीर को साधते हैं, शरीर अगर स्थिर रहता है तो हमारी वाणी भी मौन हो जाएगी। 1 मिनट के लिए मैं ब्रेक चाहूंगी। I'm going to go to the next slide.
पूजा है उसकी 1 मिनट के लिए डिस्टर्ब है प्लीज। ओके ठीक। तो कायोत्सर्ग का सबसे पहला जो प्रयोजन है वो है ध्यान के लिए भूमिका को बनाना, अपने शरीर को साधना। अगर शरीर स्थिर और शिथिल हो जाता है, शरीर की चंचलता कम हो जाती है, तो आप देखेंगे हमारी वाणी भी धीरे धीरे मौन होने लग जाती है। वाणी मौन होने लग जाती है क्यों? क्योंकि चंचलता के बिना, अगर चंचलता नहीं है, अगर शरीर भीतर से भी, हमारे भीतरी अंग, हमारा मस्तिष्क भी अगर शिथिल है, तो हमें बोलने की भी वैसे बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। बोल ही नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे भीतर विचार कम हो जाते हैं, बिल्कुल कम। तो शरीर को स्थिर और शिथिल जब हम कर लेते हैं तो श्वास की गति मंद हो जाती है, बिल्कुल मंद हो ही जाएगी, क्योंकि श्वास के द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है। जब शरीर को कोई काम ही नहीं करना है, हमने शरीर को सुझाव दे दिया कि तुम शिथिल हो जाओ, तो हमारे ब्रेन को क्या मैसेज पहुंचा कि अब कोई काम नहीं करना, ऊर्जा की खपत कम होगी, श्वास ऑटोमेटिक मंद हो जाता है, आप करो या न करो। हाँ, अधिक साधने के लिए हम विशेष रूप से श्वास को भी मंद करते चले जाते हैं, ताकि शरीर और श्वास दोनों एक साथ अगर स्थिर और शिथिल होने लग जाते हैं तो हमारी वाणी मौन हो जाती है और विचारों की चंचलता कम। अगर विचार ब्रेन में कम आएंगे तो हम बोलने की भी हमारी इच्छा नहीं रहेगी। तो कायोत्सर्ग ध्यान की भूमिका तैयार करने का एक अचूक साधन है। प्रश्न होता है इससे कैसे आत्मा शुद्ध हुई, कैसे शुद्ध हुई आत्मा, कर्म बंध कैसे होता है? योग के द्वारा। योग यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति। अगर मन वचन काया की प्रवृत्ति शिथिल पड़ गई है तो कर्मों का आना भी मंद हो जाएगा, बिल्कुल मंद हो जाएगा। और कर्मों का आना बंद हो गया यानी क्या हो, आत्मा शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध। दूसरी बात, कर्म आ रहे हैं वो कम आएंगे, ये पहली बात। दूसरा, जब वाणी मौन है, मन शांत है और शरीर स्थिर है, तो ऐसे में क्या है, आप गौर करिए, आपके भाव भी क्या होंगे, नियंत्रण में होंगे। भाव लगभग नियंत्रण में होंगे और पवित्र होंगे, आप शांत रहोगे। तो जब भाव पवित्र हैं, शांत नियंत्रित हैं, तो जो जितने भी कर्म आ रहे हैं आपकी प्रवृत्ति से, थोड़े बहुत, वो भी क्या होंगे, आत्मा से चिपकेंगे जरूर, लेकिन मिनिमम समय के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी क्या है, भाव बहुत गहरे भाव नहीं है, भाव नियंत्रित भी है और सकारात्मक भी है। ऐसे में कर्म आएंगे वो कम स्थिति के बनेंगे और शुभ बनेंगे, अशुभ नहीं। तीसरी बात, कर्म ईच एंड एवरी मोमेंट हमारे कर्म विपाक में आ रहे, बिल्कुल हर कर्म उदय में आ रहे हैं, शुभ भी अशुभ भी, सारे तरह के कर्म, चाहे ज्ञानावरणी है, दर्शनावरणी है, अंतराय है, मौनी है, चारों घाती कर्म। अघाती कर्म तो अपना कंटिन्यू चल ही रहे हैं शरीर के साथ, लेकिन जो घाती कर्म हमारी आत्मा के जो शल्य पैदा कर रहे हैं, आत्मा के गुणों का जो घात कर रहे हैं, वो चार घाती कर्म भी ईच एंड एवरी मोमेंट उदय में आ रहे हैं। अब अगर आप कायोत्सर्ग में स्थित हो, शरीर आपका स्थिर है, मन शांत है, वाणी मौन है, तो क्या होगा, अगर कोई भी कर्म बुरा विपाक में आ रहा है, आप प्रतिक्रिया नहीं करोगे, उसे समभाव से सहलोगे। जब स्थिति समभाव की है तो विपाक में आने वाला कर्म भी क्या होगा, बिना प्रभाव दिखाए चला जाए, क्योंकि कर्म को प्रकट होने के लिए शरीर चाहिए। आपने शरीर को साध रखा है, बिल्कुल स्थिर हो, शिथिल हो, संकल्पबद्ध हो कि मुझे हलन चलन नहीं करनी, मैं कायोत्सर्ग में ही रहूंगा, तो ऐसे में क्या होगा, जो कर्म विपाक में आएंगे वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आप संभाव में वो कर्म आएंगे, स्वतः ही चले जाएंगे। और क्या फायदा होगा इससे, आप अगर शांत हो, संभाव में हो, तो आपने कर्म को भोगते हुए नए कर्मों को नहीं बांधा, और बांधा भी तो मिनिमम। इस तरह से कायोत्सर्ग किस चीज में हेल्प कर रहा है, हमारी आत्मा की विशुद्धि में, आत्मा को निश्चल करने में, और प्रायश्चित
प्रायश्चित एक तप है। हम अनेक भूलें करते हैं, अनेक गलतियां होती है, जाने अनजाने। प्रायश्चित कब संभव है? जब आप स्वयं के भीतर पवित्र हो, निर्मल हो, तभी संभव है कि हम प्रायश्चित कर सकें, हम दूसरों को क्षमा कर सकें। और जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं कर देते, हम क्षमा मांगने के भी अधिकारी नहीं। तो भीतर निर्मलता के लिए, पवित्रता के लिए आवश्यक है कायोत्सर्ग। जब हम स्वयं को पवित्र कर लेते हैं, निश्चल्य कर लेते हैं, तब हम प्रायश्चित प्रायश्चित भी कर पाते। वरना क्या होता है, हमने सॉरी बोल दिया, प्लीज माफ कर दो बोल दिया, लेकिन उसी गलती को हम बार बार दोहराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने भीतर तक उस न तो हमने भीतर से माफी मांगी, न ही हमने भीतर से किसी को माफ किया। भीतर की प्रक्रिया, भावों की प्रक्रिया भीतर चल रही है, और ये जो भीतर भावों को गार्ड है, ये गार्ड भाव आपको निरंतर कर्मों में जकड़ते जाते हैं। कोई प्रायश्चित संभव नहीं, कोई क्षमा संभव नहीं, कोई अहंकार का कम होना संभव नहीं। तो ये आवश्यक है। तो कायोत्सर्ग केवल शिथिलीकरण नहीं, केवल शवासन नहीं, ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है ध्यान साधना की, जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा को विशुद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा कायोत्सर्ग का और आध्यात्मिक पक्ष क्या हो सकता है? भेद विज्ञान का अंग। जब हम कायोत्सर्ग में अपने अंतर जगत में प्रवेश कर जाते हैं, तो क्या होता है? अंतर जगत में धीरे धीरे हम गहराई तक पहुंचना शुरू हो जाते हैं। अंतर जगत की जैसे जैसे हम गहराई में पहुंचते हैं, हमें सत्य का साक्षात्कार होना शुरू हो जाता है। सत्य क्या है? सत्य का साक्षात्कार शुरू हो जाता है। हम शरीर अनित्य ये जानने लग जाते हैं, शरीर और आत्मा के भेद को समझने लग जाते हैं कि ये शरीर ईच एंड एवरी मोमेंट बदल रहा है, इसकी एक एक पर्याय बदल रही है। केवल बाहर का रूप रंग नहीं, भीतर के भाव, विचार, श्वास सब तो नया। श्वास एक आ रहा है, दूसरा चला गया, एक आया चला गया, खत्म, दूसरा नया आया वो भी चला गया। क्या ये प्रतिक्षण बदल रहा है? शरीर हर दृष्टि से, विचार से, भाव से, श्वास से, इस अपने रूप से ईच एंड एवरी मोमेंट बदल रहा है। तो क्या ये प्रतिक्षण बदलने वाला हमारा अस्तित्व हो सकता है? जो प्रतिक्षण नाश हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, वो हमारा अस्तित्व कैसे हो सकता है? क्या है आधार हमारे अस्तित्व का? जब हम इस खोज पे पहुंचते हैं, तब हमें अनुभव होता है कि प्रतिक्षण ये पर्याय बदल रही है। आपने अपने जीवन का अवलोकन करते हो, करो, बचपन से आज तक कितना कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। शरीर का रूप, रंग, भाव, विचार, शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नाते, रोग शोक, सब कुछ बदला। तो प्रतिक्षण बदलने वाला हमारा अस्तित्व हो कैसे सकता? जब इस गहराई तक हम पहुंचते हैं कायोत्सर्ग में, तब हम क्या अनुभव करते हैं? ये जो कुछ भी हो रहा है बाहर के जगत में, चाहे वो मेरा शरीर है, चाहे बाहर का परिवेश है, चाहे बाहर की वस्तुएं हैं, सब कुछ प्रतिक्षण बदल रहा है। जो नहीं बदला है वो क्या है? इन सब बाहर के परिवर्तनों को जानने वाला, देखने वाला कौन है? जानने वाला, देखने वाला। तब हमें अनुभव होता है कि मैं हर एक परिवर्तन का साक्षी रहा हूं, जानने वाला रहा हूं। ये जानने वाला कौन है? ये मैं हूं, ये मेरा अस्तित्व है, जो था, है और रहेगा। बिल्कुल। तब हम इस अनुभव पे पहुंचते हैं कि शरीर में आत्मा नहीं है, इस आत्मा ने शरीर धारण किया है। इसका कारण क्या है? जब हम गहराई से चिंतन अनुचिंतन करते हैं, तब हम ये अनुभव करते हैं काल से कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, जो केवल जान रहा है, देख रहा है, जो केवल साक्षी है। क्या है इस जन्म मरण का कारण? क्यों मुझे ये शरीर मिला? कैसे मिला? क्यों मिला? कब तक रहेगा? इसके बाद क्या होगा? ये सब चिंतन अनुचिंतन हम
अंतर जगत की गहराई में जाकर करते हैं, तब हमें समाधान मिलता है। हमारा कारण शरीर कारण है इस जन्म और मरण के चक्र का। हमने जो ये शरीर धारण किया है ये निश्चित ही छूटेगा, क्योंकि मैं संसार को देख रही हूँ, चारों तरफ ये चल रहा है, तो निश्चित मुझे भी ये शरीर छोड़ना है। तो फिर मैं कौन? क्या शरीर के साथ मेरा भी अंत हो जाएगा? कायोत्सर्ग की गहराई में अगर हम जाते हैं, हम अपने पिछले जन्म को भी देख सकते हैं, बिल्कुल संभव। ये सारे प्रयोग, ये सारे अनुभव हमें ये बताते हैं कि मैं आत्मा हूं। अपने अस्तित्व की अनुभूति कर पाते हैं हम, अपने ज्ञाता दृष्टा भाव का अनुभव कर पाते हैं। ये मुख्य प्रयोजन है कायोत्सर्ग का। केवल शरीर को आराम देना नहीं, केवल तनाव मुक्ति नहीं, केवल इस 10, 20, 100, 50 साल के जन्म को सुख या दुख बना में बनाना नहीं, बहुत गहरा मतलब है कायोत्सर्ग। आज भी जब हमारे साधु संत बाहर किसी कार्य के लिए जाते हैं, आहार पानी के लिए या बाहरी संबंधी भूमिका के लिए, तो जब वापस वो लौटते हैं अपने स्थान पे, तो वो कायोत्सर्ग करते हैं। क्यों? क्यों? जैसे ही प्रवृत्ति की शरीर के भीतर असंतुलन हुआ, रसायनों का असंतुलन, विचारों का, बाहर के जगत से बाहर बहुत सारी चीजें भीतर लाए, केवल शरीर की थकान ही नहीं है, बाहर कितनी सारी चीजें देखी वो अंदर आई, भाव बदले, विचार बदले, बहुत कुछ बदले, लेकिन वो स्थानक या अपने स्थान पर आते ही कायोत्सर्ग करते हैं। क्यों? ताकि शरीर के भीतर के रासायन संतुलित हो जाए। रसायन संतुलन होंगे तो भाव संतुलित होंगे। क्या हुआ? जब मेहनत की तो शरीर में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, तो उसको बदलना। जैसे ही शांत हुए, शरीर को स्थिर शिथिल किया, भावों को क्या करते हैं हम, जनरली आपने देखा होगा जब हम संवत्सरी में ध्यान करते हैं, जैसे भी काउसक की बात की जाती है तो हम लोगस का ध्यान करते हैं, है ना? चार लोगस का ध्यान, 8 लोगस का, 20 लोगस का, संवत्सरी के दिन 40 लोगस का ध्यान। ये लोगस का ध्यान, लोगस क्या है? लोगस एक पार्टी दे दी, लेकिन जिनको लोगस नहीं आता है उन्हें क्या कहा जाता है? आप अपने श्वासोश्वास पर ध्यान करिए। कायोत्सर्ग का संबंध, ये हमारे आगमों में भी आया है, कायोत्सर्ग जब करते हैं अपने श्वासोश्वास पर ध्यान करिए। श्वास लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, बिल्कुल श्वास पर फोकस करके कायोत्सर्ग करना होगा। और इसको हमने लोगस के साथ जोड़ दिया, जैसे लोगस के जितने पद हैं एक श्वास के साथ एक पद को बोलना। तो श्वासोश्वास का सीधा सीधा संबंध कायोत्सर्ग से बताया गया आगमों में भी। और आप सब अनुभव करते हो, आप लोग सब साधक हो, कि श्वास मंद तो शरीर स्थिर और शिथिल, और शरीर स्थिर और शिथिल है तो श्वास मंद, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कायोत्सर्ग ध्यान साधना का आदि बिंदु भी है, अंतिम बिंदु। आदि बिंदु इसलिए कायोत्सर्ग के द्वारा हम अपने शरीर को साधते हैं, उसे स्थिर करते हैं, शिथिल करते हैं। कौन से शरीर को? इस औदारिक शरीर को, इस हार्ड मास वाले शरीर। हमारा शरीर अपने आप में दो सूक्ष्म शरीरों को समाहित किए हुए, एक तेजस शरीर, दूसरा कर्मण शरीर। तेजस शरीर हमारा विद्युतमय शरीर, प्राणमय शरीर, वो प्राण शक्ति जो हमारे जीवन को संचालित कर रही है। विज्ञान की दृष्टि से हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन और भोजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन और भोजन मिलके ऊर्जा का निर्माण करते हैं और हमारा शरीर चल रहा है। लेकिन इस शरीर रूपी मशीन को जो चला रहा है वो प्राण शक्ति, वो प्राण शक्ति जीव है, कोई पदार्थ नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं, ये जीवनी शक्ति प्राण, इस प्राण को संचालित करने का काम करता है हमारा तेजस शरीर। और तेजस शरीर बिल्कुल पौद्गलिक है, पुद्गल है। हम श्वास के द्वारा, भोजन के द्वारा, सूर्य के प्राण, अनेक तरह से हम तेजेश्वर गणा के पुद्गलों को क्या कर रहे हैं? प्राण ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। ये प्राण ऊर्जा हमारी आत्मा की शक्ति को इस शरीर तक लाती है। तो पुद्गल और शरीर को
शरीर यानी शरीर और आत्मा को साथ मिलाकर चलने वाली शक्ति का नाम है प्राण। ये प्राण हमारा कौन संचालित कर रहा है? तेजस शरीर, सूक्ष्म शरीर। इससे भी ज्यादा अति सूक्ष्म शरीर है वो है हमारा कारमन शरीर। जी हाँ, वो शरीर हमारा भी भौतिक है, बिल्कुल पौद्गलिक है। कारमन शरीर भी कर्म के पुद्गल आत्मा से चिपके हुए हैं। ये हमारा यहाँ हमारा ये हमारा सॉफ्टवेयर है। ये यहाँ हमारे अनंत अनंत जन्मों के कर्म संचित है, और यही कर्म जब विपाक में आते हैं अपना प्रभाव दिखाते हैं, इसी के अनुरूप हमारा जीवन चलता है। तो कायोत्सर्ग के द्वारा हम अपने तीनों शरीरों को प्रभावित करते हैं। जैसे ही ये भौतिक शरीर, औदारिक शरीर जो हमारा है, स्थूल शरीर, ये भी स्थिर और शिथिल हो जाता है, तब कार्मण शरीर का साम्राज्य हिलने लग जाता है। इस शरीर की चंचलता ही कर्मों को आकर्षित करती रहती है कंटिन्यू। जैसा कि मैंने कहा, मन वचन काया की प्रवृत्ति चलती रहती है, पर कर्मों का आकर्षण चलता रहता है। तो ये जो कर्मों का साम्राज्य, ये बहुत बहुत अनंत अनंत काल से अपने पैर जमाए हुए। अगर इस साम्राज्य को नष्ट करना है तो हमें अपने इस स्थूल शरीर को स्थिर और शिथिल करना होगा। जैसे ये शरीर स्थिर और शिथिल होता है, श्वास मंद हो जाती है, वचन प्रतिक्रिया बंद हो जाती है, शब्द मौन होने लग जाते हैं, विचार कम होने लग जाते हैं, मन की चंचलता कम होने लग जाती है, भावों पे नियंत्रण आने लग जाता है, ऐसे में क्या होगा? मिनिमम कर्मों का आकर्षण और ज्यादा ज्यादा कर्मों का शरीर से अलग हो जाना, क्षय हो जाना। तो कार्मण शरीर का साम्राज्य हिलने लग जाता है कायोत्सर्ग के द्वारा। तो कायोत्सर्ग केवल इस भौतिक या औदारिक शरीर का शिथिलीकरण या स्थिरीकरण नहीं है। इसमें इस शरीर को हमने क्या किया? स्थिर किया, शिथिल किया। जब ये शरीर स्थिर और शिथिल हो जाता है, तब हमारे भीतर के दो शरीर जागरूक हो जाते हैं, एक्टिव, ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आप देखोगे, जैसे ही हमने इस शरीर को स्थिर शिथिल किया, जब ये पूरा स्थिर और शिथिल हो जाता है, तो प्रकंपन अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। ये हमारे प्राण के प्रकंपन है, तेजस शरीर के प्रकंपन है। तो इस स्थूल शरीर को निष्क्रिय करते ही तेजस शरीर क्या हुआ? अधिक सक्रिय हो गए। और प्राण शरीर, कार्मण शरीर भी क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, अधिक प्रकंपन होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अधिक अधिक कर्म के परमाणु शरीर को छोड़कर जाने लग जाते हैं। प्रकंपन प्रकंपन, और नए कर्म शरीर आ नहीं पाते, क्योंकि शरीर मन वचन काय की प्रवृत्ति तो हमने बिल्कुल बंद कर रखी है, मन स्थूल दृष्टि से बंद ही हो जाती है। अगर गहरे कायोत्सर्ग में जाते हैं तो बिल्कुल निर्विचार स्थिति का अनुभव होता है, अंतर मौन का अनुभव होता है, कोई विकार का अनुभव नहीं होता है, राग द्वेष का। तो ऐसे में कर्म शरीर का साम्राज्य भी हिल जाता है, कर्म शरीर भी अधिक चंचल हो जाता है, और वो शरीर को छोड़ के क्या कर लेता है? आत्मा को छोड़ के चला जाता है। तो इस प्रकार कायोत्सर्ग क्या है आध्यात्मिक दृष्टि से? स्थूल शरीर का स्थिर और शिथिलीकरण, सूक्ष्म शरीर के प्रति जागरूकता, ये है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग के दो अर्थ क्या हुए? पहला अनुभव के अंतर मौन होंगे,
सॉरी बैच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, शायद नेट में कुछ प्रॉब्लम थी। तो अब हम काय उत्सर्ग का प्रयोग करेंगे। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है मेरी? अरे आवाज आ रही है आपकी, एनीवन? आ रही है। अच्छा ठीक, चलिए अब हम काय उत्सर्ग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए काय उत्सर्ग के लिए तैयार हो जाएं। सभी अपने स्थान पर खड़े होकर काय उत्सर्ग का संकल्प करेंगे पूरी तन्मयता के साथ, एक-एक शब्द का अर्थ समझते हुए। तस् उत्तरी करणेन, सभी दोहराएं। पायच्छित करणेन, विसोही करणेन, विसल्ली करणेन, पावाणं कम्माणं, निघायण ठाये, ठामी काउसग, मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रही। कायोत्सर्ग की अवधि 25 मिनट रहेगी। 25 मिनट के बाद मैं कायोत्सर्ग से लौट आऊंगी। निद्रा या तंद्रा में नहीं जाऊंगी, पूर्ण जागरूकता रखूंगी। ताड़ासन का प्रयोग करते हैं। शरीर को खिंचाव देंगे, दोनों हाथ सामने की ओर लॉक करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, खींचें, पंजों के बल आकर खींचें, जितना खींच सकते हैं खींचें। पूरे शरीर में तनाव का अनुभव करें, एक एक मांसपेशी में तनाव। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, पंजे नीचे, रिलैक्स। एक बार फिर करें ताड़ासन, दोनों हाथ ऊपर, पंजों के बल आकर पूरे शरीर को खिंचाव दें, खींचें खींचें ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। सभी पीठ के बल लेट जाएं, जो बैठकर करना चाहे ध्यान मुद्रा में बैठकर कर सकते हैं, जो खड़े होकर करना चाहे खड़े होकर भी कर सकते हैं। पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों के बीच लगभग 1 फुट का फासला, दोनों हाथ शरीर के समानांतर, हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई, आंखें बिना दबाव दिए कोमलता से बंद, पूरे शरीर को स्थिर रखें, स्थिर स्थिर। शरीर को प्रतिमा की भांति स्थिर करें, कोई हलन चलन नहीं। श्वास की गति को मंद करें, मंद मंद और मंद मंद। शरीर बिल्कुल स्थिर, एक पत्थर की प्रतिमा, प्रतिमा की तरह। अनुभव करिए, आप एक मूर्ति की तरह हो गए हैं, कोई हलन चलन। श्वास बिल्कुल मंद मंद मंद। अनुभव करें, प्रत्येक अवयव शीशे की भांति भारी हो गया है, भारी 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 हो गए। शरीर जमीन में धंसता जा रहा है, धंसता जा रहा है, भारी भारी हो गया।
पूरी स्थिरता बनाए रखें, अनुभव करें शरीर हल्का हो रहा, हल्का हल्का, अपनी कल्पना शक्ति से, संकल्प शक्ति से पूरे शरीर में एक एक अवयव में हल्केपन का अनुभव करें, रूई की भांति हल्का हल्का हल्का। श्वास मंद और शांत, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक स्वयं सुझाव देते हुए अपने शरीर को शिथिल करें। दाएं पैर के अंगूठे से शुरू करें, चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। शिथिलता का सुझाव दें, शिथिल हो जा, शिथिल हो जा, शिथिल हो जा। पूरी जागरूकता से स्वयं स्वयं के शरीर के एक एक अवयव को सुझाव देंगे। रिलैक्स हो जा, अनुभव करेंगे रिलैक्स हो गए, हो गया, हो गया। शरीर का जो जो अवयव रिलैक्स होगा, हल्केपन का अनुभव करेंगे, कोई खिंचाव या तनाव नहीं रहेगा। देखें अंगूठे का पूरा भाग रिलैक्स हो गया। कोई खिंचाव नहीं, कोई दर्द नहीं, बिल्कुल हल्का हो गया। इसी प्रकार एक-एक अवयव पर चित्त को ले जाएं, रिलैक्स होने का सुझाव, पूरी जागरूकता के साथ, एकाग्रता के साथ और शिथिलता का अनुभव करें। दाएं पैर की अंगुलियां शिथिल शिथिल शिथिल, पंजा तलवा एड़ी एंकल पिंडली काफ मसल्स घुटना सातल, एक-एक अवयव को शिथिल करें, रिलैक्स करें और हल्केपन का अनुभव करें। पूरा दायां पैर रिलैक्स हो गया, बाएं पैर को भी अंगूठे से सातल तक शिथिल करें, शिथिल शिथिल शिथिल। पैर की पकड़ छूटती जा रही है, पैर हल्का हल्का हो रहा, दोनों पैरों को देखिए बिल्कुल स्थिर और शिथिल पड़े हुए हैं, कोई हलन चलन नहीं, कोई खिंचाव या तनाव नहीं, बिल्कुल स्थिर और शिथिल। चित्त को पेड़ों के भाग कर लिया है, पेट का बाहरी भाग देखें, अगर श्वास के प्रकंपन तीव्र हैं तो उन्हें मंद करें,
मंद करें, मंद करें। कोई भी श्वास की हलचल पेट पर अनुभव न हो, श्वास सूक्ष्म हो जाए, मंद हो जाए, शिथिल हो जाए। पेट के भीतरी अंग एक एक अवयव पर चित्त को ले जाएं, देखें, सुझाव दें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। केवल मानसिक सुझाव देते रहें। छाती का पूरा भाग, भीतर पसलियां, हृदय, फेफड़े अनुभव करें। हृदय भी शिथिल पड़ गया, हृदय की गति भी बिल्कुल मंद हो गई, शिथिल पड़ गई, फेफड़े भी शिथिल शिथिल। पेट का पूरा भाग, एक एक मसल को रिलैक्स कर। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। रीढ़ की हड्डी, सुषुम्ना, छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को। शरीर की पकड़ को बिल्कुल ढीला ढीला ढीला। दायां हाथ एक एक मांसपेशी को ढीला छोड़ें, दायां बिल्कुल ढीला। बायां हाथ कंधे, गर्दन, गर्दन के चारों ओर पूरी जागरूकता से एक एक मांसपेशी को ढीला छोड़े, बिल्कुल ढीला। गर्दन में कोई अकड़न न रहे। कंठ, भीतर स्वर यंत्र, स्वर यंत्र को बिल्कुल शिथिल कर दे, कोई प्रकंपन न हो। चेहरे का पूरा भाग, चेहरे की एक एक मांसपेशी बिल्कुल ढीली छोड़ दे। आंखों पे कोई खिंचाव न रहे। रिलैक्स रिलैक्स। मस्तिष्क पूरी जागरूकता से मस्तिष्क को देखें, कोई हलचल नहीं, कोई विचार नहीं, कोई शब्द। पूरा शरीर स्थिर और शिथिल पड़ा हुआ है। अपने शरीर को देखें, अपने सामने अपने शरीर को देखें, बिल्कुल स्थिर और शिथिल पड़ा हुआ, कोई हलन चलन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। अपने भीतर अंतर मौन का अनुभव, निर्विचारता का अनुभव करें। बने रहें, इसी स्थिति में बने रहें। अपने प्रति पूर्ण जागरूक, अपने होने का एहसास बना रहे। कोई विचार नहीं, कोई
कोई विकार नहीं, केवल शांति और शून्य। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्रवाह का अनुभव करें। ब्राइट व्हाइट कलर इज फ्लोइंग अराउंड योर बॉडी। आभा मंडन की निर्मलता का अनुभव करें। प्योर ऑरा, कोई विकार नहीं, कोई विचार नहीं। आभा मंडल बिल्कुल निर्मल और पवित्र हो गया। सफेद रंग का चमकता हो पवित्र आभा मंडल। शांति और आनंद का अनुभव कर। शांति और आनंद। अब हम वेद विज्ञान का अभ्यास करेंगे। शरीर से आत्मा की पृथकता का अनुभव करेंगे। अपने शरीर को अपने सामने अपने से भिन्न देखें। जिस प्रकार अन्य व्यक्ति या वस्तु आपसे अलग हैं, उसी प्रकार आपका अपना शरीर भी आपसे भिन्न है। अपने सामने अपने शरीर को देखें। शरीर अचेतन है, जड़ है। मैं चेतन हूं, आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर दृश्य है और मैं दृष्टा। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव कर। ये शरीर अचेतन है, मैं चेतन हूं। ये इस शरीर में होने वाले श्वास के प्रकंपन, तेज शरीर के प्रकंपन, कारमन शरीर के प्रकंपन, इसमें चलने वाले विचार भाव, ये शरीर स्वयं नहीं जान रहा है इनको, ये अचेतन है। शरीर स्वयं स्वयं को नहीं जानता, अचेतन है। मैं दृष्टा हूं, ज्ञाता हूं, इस शरीर को जानने वाला, देखने वाला। पूरी जागरूकता के साथ शरीर से अपनी पृथकता का अनुभव करें।
शरीर भिन्न आत्मा भिन्न। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव कर, अपनी शाश्वत सत्ता का अनुभव कर, कायोत्सर्ग से लौटने की तैयारी करेंगे। पूरे शरीर में चित्त और प्राण की यात्रा करें, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक तीव्रता से चित्त और प्राण की यात्रा करें। अनुभव करें चैतन्य शरीर में लौट आया है। शरीर के कण कण में चैतन्य के प्रकंपनों का अनुभव करें। कण कण में चैतन्य जागृत हो गया। शरीर का एक एक अवयव प्राणवान हो गया है। हाथों की, पैरों की अंगुलियों को धीरे धीरे संचालित करें। दो तीन लंबे श्वास लेते हुए पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। धीरे धीरे वर्तमान में लौट आए। जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, जो लेटे हुए हैं बाएं करवट लेते हुए बैठने की मुद्रा में आ जाएं। आंखें बंद ही रहेंगी। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए पूरी तन्मयता से एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। तीन बार सत्य को वंदन। वंदे सच्चम, वंदे सच्चम, वंदे सच्चम। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोलें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। कायोत्सर्ग का प्रयोग करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है, आप अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे, कुछ जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं। तो हैंडराइज का ऑप्शन है आपके पास, आप हैंडराइज करें। रीता जी, रीता जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र मैम। मुझे ना चित्त और प्राण में क्या अंतर है, दोनों एक ही है या नहीं? एक नहीं कह सकते हैं, नहीं। चित्त है चेतना की शुद्ध रश्मि, जो चेतना हमारे शरीर के साथ मिलके काम करती है ना। चेतना तो कर्मों से आवृत है, पूरी चेतना तो काम नहीं कर रही है। जो चेतना की रश्मियां निकलकर हमारे शरीर के साथ जुड़ती है ना,
जो हमारे यहाँ ये औदारिक शरीर है, स्थूल शरीर, उसको हम चित्त कहते हैं और प्राण कहते हैं। प्राण जीवनी शक्ति है, जो तेजस शरीर के जो परमाणु हैं वो क्या करते हैं, चेतना की शक्ति को बाहर लाते हैं, प्राण, प्राण शक्ति जो हमारे पूरे शरीर को संचालित करती है। प्राण हमारे शरीर को संचालित करता है और चित्त हमें अनुभव करवाता है, जानता है, या जानने और देखने की जो शक्ति है वो चित्त के द्वारा होती है, और पूरे शरीर का जो संचालन है वो प्राण शक्ति करती है। बोलते हैं ना चित्त और प्राण को पूरे शरीर में, तो इतना अनुभव नहीं होता है अभी तक। देखिए वो अभी सूक्ष्मता तक जाएंगे तब होगा ना, अभी तो हम इस शरीर को ही नहीं जान रहे हैं पूरा, तो सूक्ष्म शरीर को जानने में समय लगेगा, पर बिल्कुल ध्यान की गहराई में जाने से ये सारे अनुभव होने लग जाते हैं। और बहुत से अनुभव ऐसे हैं जिन जिनको हम शब्दों में नहीं बता पाएंगे, शब्द ही नहीं है उतना डिटेल बताने के लिए। अशोक थैंक यू, थैंक यू। जी, जय जिनेन्द्र। अभी रीता जी ने जैसे सवाल पूछा था कि भी प्राण का महसूस नहीं होता है, तो आज जो ध्यान कराया मंजू जी ने, तो उसमें अपने का प्राणों का स्पंदन, मतलब श्वास का स्पंदन पूरा महसूस हो रहा था। तो अपन का एक स्टेप अपन आगे बढ़ रहे हैं, वही सोच के अपन कर सकते हैं। और दूसरा, एक जैसे मंजू जी कह रहे थे कि अपने पूरा शरीर को शिथिल करो, तो उसमें हार्ट को भी शिथिल करो, तो हार्ट के एक्टिव रहना जरूरी है कि शिथिल होना अच्छा रहेगा, तो उसके बारे में थोड़ा जानना था। देखिए नहीं, हार्ट का शिथिल ही होना होगा, क्योंकि श्वास अगर मंद हो जाता है ना तो हमारे चाहने से भी हार्ट बहुत ज्यादा तेज नहीं चलेगा। हार्ट का काम है पूरे शरीर को भोजन और ऑक्सीजन देना, है ना। भोजन भी नहीं खा रहे हो आप, ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए, तो हार्ट सर्कुलेशन को तेज होने की जरूरत नहीं है, तो उसको सारी बिल्कुल एक एक अंग हमारा शिथिल पड़ जाता है कायोत्सर्ग में। इसीलिए कायोत्सर्ग को मृत्यु की प्रक्रिया भी कहा जाता है। ऐसे लग रहा है कि चालू हम यही नहीं, यस, और गहराई में चालू जानेंगे। पहला स्टेप यही है कायोत्सर्ग का, जब आपको ये लगेगा मेरा शरीर है ही नहीं, केवल प्रकंपन ही प्रकंपन है, शरीर गायब हो गया, बिल्कुल ऐसा अनुभव होता है, ये फर्स्ट प्रकंपन का स्टेप होता अच्छा अनुभव हो रहा था, प्रकंपनों का पूरा श्वास का स्पंदन चल रहा था कृतज्ञ। है। और किसी को कुछ पूछना हो तो एंड्राइज कर सकते हैं, समय है अभी हमारे पास 2-3 मिनट। इनके वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। बहुत से भाई बहनों ने वीडियो ऑफ रखे हुए हैं। चंदा जी चोपड़ा, कुछ पूछना है आपको? यस, अनम्यूट कीजिए, अपने अनुभव भी साझा कर सकते हैं, प्रश्न नहीं हो तो। सभी से जय जिनेन्द्र, सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। मंजू जी ने आज नए दिन में जो कराया बहुत ही अच्छा लगा, इतना आनंद आया रियल में, वास्तव में जो कंपन महसूस हो रहे थे, मतलब अनुभव भी किए जा सकते हैं, व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से समझाया उन्होंने और बहुत ही अच्छे से करवाया। इसी के लिए बहुत बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद, कृतज्ञ उसमें, ओम बहुत अच्छा नमः। लगा। कोई जिज्ञासा नहीं हो तो हम समापन की ओर चले। दोनों यस हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं मैं चैतन्यमय हूँ, चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी।
सभी को पुनश्च एक बार और दीपावली की शुभकामना। हमने दीपावली पर मनाया जगमग ज्योति, जो कल रात हमारे प्रकाश पूरी रात जगमग रही, उसी तरह हमारा पूरा जीवन जगमग रहे। प्रज्ञा प्रज्ञा की ज्योति हमारे अंदर हमेशा प्रकाशवान रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए। जय जिनेन्द्र। एक मंत्र बोलता हूँ, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, रास्ते में आए दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इन शुभ भावनाओं के साथ में सभी साधक साधी का एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, फिटनेस 1 घंटा रोज, का डोज, फिटनेस 1 घंटा हर रोज, का डोज, 1 घंटा हर रोज। ओम। ओम अरहम। सभी को दीपावली और नए वर्ष दोनों की हार्दिक बधाई। ओम अरहम।